रेगुलेटर के साथ घंटी को तरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो तीन बेस्ट तरीके हैं जिसकी मदद से आप रेगुलेटर के साथ घंटी को कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका लोड के लिए है और बाकी दोनों तरीके जो है वो वोल्टेज ज़्यादा होती है तो रेगुलेटर में घंटी ऑन होती है। यहाँ पर अगर ब्रेकर की एक साइड के साथ और दूसरी साइड के साथ आप घंटी की तारों को कनेक्ट करेंगे तो जब ब्रेकर ऑफ होगा तो घंटी ऑन होगा। ये तो एक सिंपल तरीका था, लेकिन दूसरा तरीका इसमें यह है कि रेगुलेटर में जब आप घंटी को लगाते तो वोल्टेज ज़्यादा होती है तो घंटी चल जाती है, लेकिन अक्सर वो घंटी ख़राब होकर जल जाती है। तो इसलिए आप रेगुलेटर में किस तरीके से घंटी को लगाएं ताकि उसकी जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए जो दूसरा तरीका है घंटी को किस तरह से सही तरीके से रेगुलेटर में फिट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इस एक घंटी है इसको हम रेगुलेटर में लगाते हैं और रेगुलेटर में बाकायदा जो पॉइंट है वो हम आपको बताएंगे और उसी पॉइंट के साथ जब कनेक्ट होगा तो रेगुलेटर की जो घंटी की लाइफ टाइम है वो ज़्यादा होगी। यानी पहला पॉइंट बटन के साथ, नंबर वन पॉइंट और सेलेक्टर बटन जो है उसकी सात नंबर पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंटों के साथ अगर आप घंटी को कनेक्ट करेंगे तो वो नहीं चलेगा और काफ़ी लाइफ टाइम तक काम करेगा, यानी उनकी जो कारकर्दगी है वो ज़्यादा होगी। अगर आप वन से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो सात नंबर पॉइंट है जिसके साथ घंटी का एक तार कनेक्ट करेंगे और एक वायर जो है वो बटन की वन पॉइंट के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो घंटी की जो लाइफ टाइम होती है वो ज़्यादा होगी। और दूसरा तरीका हम यहाँ पर आपको बताते हैं, दूसरा तरीका है सर्किट रेगुलेटर में अपनी एक वन प्लेस सर्किट मौजूद होती है और इसी वन प्लेस सर्किट को हम रेगुलेटर से अलग करते हैं और फिर आपको एक आसान सी तरीका बताते हैं। तो वन प्लेस सर्किट हमने यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके पर एक नट होती है और उस नट को हम वन प्लेस सर्किट से दूर करेंगे और फिर सर्किट की एक साइड पर जिस पर डायग्राम है इसी साइड पर अगर आप देख लें तो बजर के लिए एक अलामत यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो बल्ब बजर के लिए जो अलामत दिया गया है उसमें आप बजर लगाएंगे। तो बजर एक घंटी होता है, स्मॉल सी घंटी बजर होता है, देख लें इसी बजर को आप लगाएंगे और इस बजर डीसी पर चलता है 12 वोल्ट पर। तो इसमें प्लस और माइनस का आप ख्याल रखिए जब आप बजर लगाते हैं इसी सर्किट में, और इसी बजर की जो कीमत होती है वो 15-20 रुपए होती है। तो आप महंगी घंटी को अगर रेगुलेटर के साथ कनेक्ट करना नहीं चाहते तो आप इसी 20 रुपए का बजर को लेकर कट अप सर्किट के साथ आप कनेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। आप देख लेंगे कि किस तरह से ये बजर जो होती है सर्किट में कनेक्ट सर्किट के साथ कनेक्ट होता है। तो इसको इसी बजर को हम सोल्ड करेंगे, यानी यहाँ पर काव्या की मदद से हम इस बजर को सर्किट के साथ रिसोल्ड करेंगे। ठीक है, तो बजर अगर कनेक्ट हुआ आप देख लेंगे कि यहाँ पर हमने वन प्लेस सर्किट में बजर को कनेक्ट किया और ये बजर कनेक्ट हुआ तो हम सर्किट को वापस रेगुलेटर में फिट करेंगे और फिर रेगुलेटर को हम मतलब कि चेक करेंगे कि वो किस तरह से घंटी को प्ले करता है। 220 लिमिट से जब वोल्टेज ज़्यादा होती है तो बजर ऑन होती है और इस तरह आप अब रेगुलेटर को चेक करते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं रेगुलेटर को, हमने ज़्यादा किया 220 से ज़्यादा हुआ तो